हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप अप आईएएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यूज़ एनालिसिस टुडे। तो द हिंदू और पीआईबी के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 19 दिसंबर है आज, और देखिए उससे पहला न्यूज़ जो है वो इनवेजिव एनिमल स्पीसीज से जुड़ा हुआ है। तो पहली बार जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक लिस्ट तैयार किया है, लिस्ट में कंपाइलेशन किया है जो भी ये एलियन इन्वेजिव स्पीसीज हैं उनके बारे में। तो इसमें जो माइक्रोब स्पीसीज हैं उनको नहीं रखा गया है, और जितने भी ये बड़े स्पीसीज़ हैं एलियन स्पीसीज़ उनके बारे में पूरा डाटा तैयार किया गया है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर के इसको तैयार किया है। अब इम्पॉर्टेंट ये है, क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि इन्वेजिव स्पीसीज़ होते क्या हैं या एलियन स्पीसीज़ इन्वेजिव स्पीसीज़ क्या होते हैं। तो देखिए, ये ऐसे स्पीसीज़ होते हैं जो कि बाहर के एनवायरमेंट से आते हैं। कई बार इनको डेलिब्रेटली इंट्रोड्यूस कराया जाता है उस एनवायरनमेंट में, या फिर कई बार गलती से चले आते हैं। जैसे कई क्या होता है, जैसे कुछ शिप हैं वो दूसरी कंट्री में गई हैं तो वहाँ से कुछ ऐसे स्पीसीज़ आ जाते हैं उस शिप के साथ। कई बार प्लांट्स ऐसे आ जाते हैं उनके साथ, या इसका जो इस्तेमाल है इन्वेजिव स्पीसीज का इस्तेमाल जो टेरर फैलाने के तौर पे भी किया जाता है कई बार, मतलब इंटेंशनली अगर किसी को करना हो। तो इसमें देखिए क्या होता है, इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये जो इन्वेजिव स्पीसीज़ हैं बहुत रैपिडली ग्रोथ करते हैं, इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इनके अंदर एक ऐसी एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि किसी भी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाते हैं और वहाँ के फूड टाइप्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, उसी वहीं के जो खाना होता है पानी होता है उसको अडॉप्ट करने लग जाते हैं। और इनकी अडैप्टिव कैपेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो क्या होता है कि जब भी ये किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहाँ पे उस एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ के एंडेमिक स्पीसीज़ को फिर ख़तरा पहुँचाने लग जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये जो एलियन इन्वेजिव स्पीसीज़ होते हैं ये बहुत कहीं ना कहीं बुरे होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो इनका नेगेटिव सेंस में मतलब इसको इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये इन्वेजिव स्पीसीज़ का, इसको ठीक से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट अग्रीज टू एग्जामिन प्ली टू बार पॉलिटिशियंस फ्रॉम कंटेस्टिंग फ्रॉम द टू सीट्स। देखिए, जो पॉलिटिशियंस होते हैं कई बार दो सीट से चुनाव लड़ते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जो हैं अभी नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी दो सीट से चुनाव लड़ा था, एक तो बनारस से और एक उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ा था। तो इसमें कई बार क्या होता है कि जब वो जो कंटेस्टेंट, जब वो पॉलिटिशियन दोनों जगह से अगर जीत जाते हैं तो उनको एक जगह पर अपनी सीट छोड़नी पड़ती है, और उसका काफ़ी बुरा इम्पैक्ट होता है कई बार, जैसे कि दोबारा से वहाँ पे इलेक्शन करवाना पड़ता है। और इससे पहले जो मतलब डेमोक्रेसी के खिलाफ, तो अभी देखिए एक पिटीशन फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में और ये सेक्शन 337 को चैलेंज किया गया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रिलिम्स के एस्पेक्ट से कि क्या है ये सेक्शन 337। तो इसमें ये इस पिटीशन में कहा गया कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है जो कि अलाउ करता है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, तो उसको इस प्रैक्टिस को एंड करने की बात उसमें कही गई, और इसी पे सुप्रीम कोर्ट का भी जवाब आया है। तो कहीं ना कहीं सहमति दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने कि हाँ ये सही बात है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि सेक्शन 337 ऑफ RPA क्या है, यानी कि आप एक बात बता दूँ मैं यहाँ पे कि गवर्नेंस के पोर्शन में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा। 1950 का एक एक्ट है और 1951 का है, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो 337 है ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि कैंडिडेट टू कंटेस्ट एनी इलेक्शन पार्लियामेंट्री स्टेट असेंबली और बायनियल काउंसिल फ्रॉम अप टू टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव वो लड़ सकते हैं, ये बात उसमें कही गई, इस वजह से लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, दैट वन पर्सन वन वोट एंड वन कैंडिडेट एंड वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ हो जाता है, और सारी बात हमने डिस्कस कर ली है कि किस तरीके से जब कोई व्यक्ति चुनाव जीत जाते हैं दोनों ही सीट से तो उसके बाद बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है, उस एक सीट को वैकेट कर दिया जाता है और वहाँ पे दोबारा से इलेक्शंस होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, जो मैन पावर है रिसोर्सेज है उसका एक्स्ट्रा इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से इसको ख़त्म करना ज़्यादा बेनिफिशियल देखा जा रहा है। तो हालांकि अभी देखते हैं इसमें क्या होता है, बट आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है RPA एक्ट, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे 1950 का भी और 1951 का भी। नेक्स्ट न्यूज़ है, व्हाट इज़ नेट न्यूट्रलिटी, इस पर हमने डिस्कशन पहले भी किया हुआ है। तो देखिए, नेट न्यूट्रलिटी का कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है और हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन में आ जाए मेंस में या फिर प्रीलिम्स में। तो अभी जो रिसेंटली जो इस पर न्यूज़ था वो ये था कि
जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है TRAI, उनके रिकमेंडेशंस आए थे इस पे नेट न्यूट्रलिटी के फेवर में, कि जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर दिखाया जाता है जो लोग इंटरनेट एक्सेस देते हैं उनके द्वारा, तो उसको ख़त्म करने की बात की गई है और नेट न्यूट्रलिटी को और एक्सप्लोर करने की बात की गई कि हर किसी के लिए समान जो वो है एक्सेसिबिलिटी है वो होनी चाहिए। तो व्हाट इज़ नेट न्यूट्रलिटी अगर हम बात करते हैं, तो नेट न्यूट्रलिटी इज़ अ फ्रीडम ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू लॉफुल साइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब जब कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और हर किसी के पास सेम सुविधा हो, जैसे हमने पहले भी बात किया हुआ है कि अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है या कोई भी ऐसी ऑनलाइन कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन अपना मार्केटिंग करती हैं, लेकिन इंटरनेट एक्सेस की वजह से कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता है, कुछ लोगों को उसका कुछ लोगों को नुकसान हो जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी TRAI ने कुछ बातें कही हैं और इस पर काफ़ी काम भी चल रहा है और इससे जुड़ा हुआ एक कैंपेन है, तो वो याद रखिएगा, सेव द इंटरनेट कैंपेन। ये जो कैंपेन हुआ था ये इसी के लिए हुआ था, नेट न्यूट्रलिटी को ही लाने के लिए किया गया था कि इतना जो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर दिखाया जाता है जो लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं उनके द्वारा, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए और उस पर एक लगाम होनी चाहिए, उसको भी सस्पेक्शन के दायरे में लाना चाहिए, उस पर भी पर्टिकुलर एक ऐसा लॉ रूल्स बनना चाहिए कि ऐसा जो गलत तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का और किसी को एक्सेस दे देते हैं ज़्यादा पैसे पे और किसी को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है ऑनलाइन पोर्टल पे, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, सेव द इंटरनेट कैंपेन इसी से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट न्यूज़ है प्रलय सहायम। प्रलय सहायम के बारे में पहले भी बात किया हुआ है, तो देखिए ये एक एक्सरसाइज है, इट इज़ अ मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज और इसको अभी कंडक्ट कराया गया था हैदराबाद में, ठीक है। इट इज़ अ कंडक्टेड ऑन द बैंक ऑफ द हुसैन सागर लेक, तो इस लेक पर ये इसको कंडक्ट किया गया था इस एक्सरसाइज को, एंड इट द इवेंट डेमोन्स्ट्रेटेड एफर्ट ऑफ ऑल सेंट्रल एंड स्टेट एजेंसीज। तो ये जो NDRF है, मतलब आपको ये याद रखना है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ ये एक्सरसाइज था प्रलय सहायम, और इसमें जो वहाँ के आर्म फोर्स हैं और NDRF इन लोगों ने मिल करके इसको कंडक्ट किया था। तो जो फ्लडिंग सिचुएशन आती है, फ्लड से पूरा जो शहर है वो कहीं ना कहीं पानी में आ जाता है, तो उसको कर्व करने के लिए इसको लाया गया था और इस पर पूरी बातचीत जो हुई थी वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लाने के लिए की गई थी। तो प्रलय सहायम याद रखिएगा हैदराबाद में कंडक्ट किया गया था। नेक्स्ट न्यूज़ है सेंडाई फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ, कल हमने इस पर बात की थी, और सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है जिसको कि यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके द्वारा अडॉप्ट किया गया था 2015 में, याद रखिएगा 2015 में इसको अडॉप्ट किया गया है और 2030 तक का टारगेट रखा गया है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है जो कि सेंडाई में होता है और इसको UN जनरल असेंबली है वो कंडक्ट करती है, 2015 में हुआ था और उसी में सेंडाई फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया था, याद रखिएगा। और इट इज़ अ सक्सेसर एग्रीमेंट टू द ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको याद रखना है कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, पूछा जा सकता है कि किसका सक्सेसर है, इससे पहले कौन सा एग्रीमेंट था इसको लेकर के, डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, तो ह्योगो फ्रेमवर्क था। ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 से 15 तक था और फिर अब इसके बाद सेंडाई फ्रेमवर्क आया है 15 से लेकर के 30 तक के लिए, ठीक है। और इसमें जो भी डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं उसको इसमें रखी जाती हैं, एंड इट इज़ द डॉक्यूमेंट इमर्ज फ्रॉम द 3 years ऑफ टॉक्स असिस्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल स्ट्रेटजी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन। तो ये जो यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके द्वारा इसको अडॉप्ट किया गया है और उन्हीं के द्वारा सारी बातचीत होती है। अब इसी पे इंडिया ने अपने यहाँ पे सबसे पहले अपना एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, इस पर हमने पहले कल बात भी किया था कि डिज़ास्टर से रिलेटेड अपना एक एक्शन प्लान बनाया इंडिया ने, और इंडिया पहली ऐसी कंट्री है जो इस पर अभी काम इसने स्टार्ट किया है। आपको पता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का सक्सेसर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और इसमें एक जो टारगेट है वो ये भी है, जो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है इसका टारगेट, और इसमें जितनी भी चीज़ें इसको एड्रेस करने वाली चीज़ें हैं उसको और इम्प्रूव करना इसका उद्देश्य है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे कुछ प्लान्स को इम्प्लीमेंट करें अपने यहाँ पे। तो याद रखिएगा सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कुछ प्रायोरिटीज़ हैं। अब इसके प्रायोरिटीज़ क्या क्या हैं सेंडाई फ्रेमवर्क के, देखिए इससे पहला है अंडरस्टैंडिंग डिज़ास्टर रिस्क, स्ट्रेंथनिंग डिज़ास्टर रिस्क गवर्नेंस टू मैनेज डिज़ास्टर रिस्क, एंड इन्वेस्टिंग इन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो पहले तो अंडरस्टैंड करना किस तरीके से रिस्क आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो
चेन्नई में फ्लड आया था और पिछले साल, और इस बार फ्लड पूरा जो असम वाला रीजन है वहाँ पे आया था। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात इसलिए कही जाती है कि आप जब आपके यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ऐसे इवेंट्स हो चुके हैं, कुछ डिजास्टर ऐसे आ चुके हैं, तो आपको उससे सीखना चाहिए, ये देखना चाहिए कि क्या 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 और प्रोज एंड कॉन्स होते हैं इस डिजास्टर से। तो अंडरस्टैंडिंग द डिजास्टर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग, जो भी रिस्क हो सकते हैं उसको मैनेज करना, उसको देखना। इन्वेस्टिंग इन द डिजास्टर रिस्ट्रक्शन फॉर रेजिलियंस, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एंड इन्हेंसिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इसके, इस फ्रेमवर्क के, जो इसको कि प्रायोरिटीज में दी जाती है। नेक्स्ट न्यूज़ है लोसर फेस्टिवल, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोसर फेस्टिवल। सबसे पहला तो फैक्ट ये है कि ये कहाँ मनाया जाता है। देखिए, इसको लद्दाख रीजन में मनाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर के। तो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि किस रीजन में लोसर फेस्टिवल मनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख रीजन में इसको मनाया जाता है। एंड इट इज़ अ मार्क ऑफ द बिगनिंग ऑफ न्यू ईयर इन द हिमाचल रीजन, तो सॉरी हिमालयन रीजन। तो हिमालयन रीजन का ये न्यू ईयर माना जाता है लोसर को। लोसर इसी उपलक्ष्य पे मनाया जाता है, आपको ये समझना है। और ये 10 दिन का एक लॉन्ग फेस्टिवल होता है, तन में मतलब ही न्यू ईयर है। एंड इट इज़ कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ दिस रीजन, द इंपॉर्टेंट सोशल रिलीजियस सेलिब्रेशन इन लद्दाख। एंड लद्दाख बुद्धिस्ट मेक रिलीजियस ऑफरिंग बिफोर देयर डेटीज एंड द डोमेस्टिक श्राइन्स इन द गोम्पास। तो बुद्धिस्ट लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है ये, और इवन लद्दाख रीजन का सबसे बड़ा त्यौहार है ये लोसर, तो याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट न्यूज़ है GIE अलाउज इंडियन फर्म टू कंडक्ट फेज़ वन ट्रायल ऑफ जीका वैक्सीन। तो जीका वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और फेज़ वन में इसका ट्रायल भी शुरू होने जा रहा है। जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने ग्रांट किया है परमिशन कि जीका वैक्सीन्स को दिया जाए फर्स्ट फेज़ में लोगों को। एंड इट वॉज़ अनाउंसड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इन्होंने ऐसा कहा, अनाउंस किया है। एंड जीका वायरस आपको पता है कि ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, एंड एडीज एगिप्टी जो मॉस्किटो है उससे फैलता है जीका। इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था जीका पे, तो हालांकि अब मुश्किल ही है किस पे क्वेश्चन आए, बट हाँ, ये जो वैक्सीनेशन वगैरह का न्यूज़ में है तो ये याद रखिएगा। एंड इन्फेक्शस इन द प्रेगनेंट वुमेन कैन कॉज चिल्ड्रन टू बी बॉर्न विद द ब्रेन डिफिशियंसीज। तो देखिए, माइक्रोसिफेली नाम की एक बीमारी होती है जो बच्चों में हो जाती है। इसमें जो सिर का साइज़ होता है बहुत बड़ा हो जाता है, और ये जीका वायरस की वजह से ही होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और WHO हैज़ डिक्लेयर्ड जीका वायरस एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो काफ़ी ज़्यादा इसको हटाने के लिए बहुत बात चल रही है, बहुत काम चल रहा है उसी में। याद रखिएगा कि जीका वैक्सीनेशन का जो फर्स्ट फेज़ है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल जो क्वेश्चंस देखे थे उसका आंसर आप लोगों ने किया होगा। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, इसके बाद हम लोगों ने की थी। तो इसमें देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहला तो ये एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है जिसको कि 1987 में फोर्स में लाया गया था, और इंडिया इसके सिग्नेटरी है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दैट मीन्स कि इसका सही आंसर क्या होगा, सी, ऑल ऑफ देम आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कीवी। इनकरेक्ट पूछा गया है, इट इज़ अ फ्लाइसलेट्स बर्ड। तो ये सही स्टेटमेंट है। एंड इट इज़ ऑल्सो, इट इज़ ओनली फाउंड इन द रीजन ऑफ वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे जो आंसर सही होगा वो सही आंसर होगा ओनली टू, इट इज़ द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, और इनकरेक्ट है ये वाला इन्फॉर्मेशन कि ये वेस्टर्न घाट में नहीं पाए जाते। कीवी जो है वो न्यूजीलैंड के नेटिव बर्ड हैं, और फ्लाइटलेस बर्ड हैं। तो पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, दैट मीन आंसर इज ओनली। क्वेश्चन है, उमंग यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस ऐप इज़ लॉन्च्ड बाय। तो उमंग ऐप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो इसका सही आंसर है सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मेटी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट सक्षम। तो प्रोजेक्ट सक्षम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, इट इज़ लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड इट इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट टाइम बाउंड अप स्किलिंग एक्सरसाइज फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। देखिए, इसमें जो पहला वाला स्टेटमेंट है कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये गलत है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट सक्षम है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने इसको अभी स्टार्ट किया है, और इसका उद्देश्य है कि जितने भी
एम्प्लॉयज़ हैं, रेलवे में काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको उनकी जो स्किल है उसको अपग्रेड किया जाए. तो प्रोजेक्ट सक्षम से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है. तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओनली 2 इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ULB स्कीम, अर्बन लोकल बॉडीज स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड विद द सपोर्ट ऑफ. तो इसका सही आंसर क्या है? वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक इसमें सपोर्ट कर रही है. तो क्वेश्चन इज, रिसेंटली दत्ता महेंद्रगिरी गेको वॉज इन न्यूज़ फाउंड इन. तो देखिए यहाँ पे कई बार हमसे ये पूछा जा सकता है कि गेको वॉज इन न्यूज़, तो ये कहाँ पर है? देखिए ईस्टर्न घाट में पाए गए हैं. इसका सही आंसर ईस्टर्न घाट है. और यहाँ पे महेंद्रगिरी गेको है, तो आप इसे गेस कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश वाले रीजन में पाया गया होगा, तो ईस्टर्न घाट. वेरी मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद मी हियर एंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. तो करंट अफेयर्स के सारे लोग अपना जो नोट्स है उसको प्रिपेयर करें, उसको तैयार कर लें. और इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस हैं, जो भी हम लोग डिस्कस करते हैं सारा इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट होता है. तो उसको इस इन्फॉर्मेशन को याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो थैंक यू वेरी मच. कीप स्टडिंग.